नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्य। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, नेशनल हेराल्ड यंग और यंग इंडिया के बीच के लेन देन में फंसे राहुल गांधी से आज भी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ होनी है। सुबह करीब 11 बजे का वक्त जो पिछले सोमवार और मंगलवार भी इस बार रहा, और आज भी वही वक्त 11 बजे का वक्त है जब उन्हें पहुंचना है ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए। इससे पहले कल और सोमवार को भी लगातार दो दिनों तक राहुल ने ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं। सोमवार को 8.5 घंटे और कल मंगलवार को करीब 10 घंटे राहुल गांधी से सवाल जवाब होते रहे। सुबह सुबह प्रियंका गांधी भाई राहुल के घर पहुंच चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि कल की तरह आज भी प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर तक उनके साथ जाएंगी। हालांकि कल जब वो गई थी तो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी ही जा सकते थे, इसलिए प्रियंका वहां से लौट गई थी। सीधे आपको लिए चलते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और क्या आरोप केंद्र पर लग रहा है, सुनिए जरा। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नहीं, हर देशवासी ये मान रहा है कि ये गलत हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का ध्वंस करना है तो हम हमारे कार्यकर्ता हमारे सिंपेथाइजर को ये नहीं कहते कि अपने स्टेट में प्रोग्राम दो, पूरे देश से यहां बुलाते, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आते और दिल्ली पुलिस या सरकार की ताकत नहीं थी कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पे मेंटेन हो। आगे जैसे अंग्रेज की लाठी गोली चलती थी, सत्याग्रह चलता था। आजादी के वक्त यही कांग्रेस की विचारधारा ने चलाया था। आज भी दिल्ली में यहां नहीं आने दिया है तो दिल्ली के चप्पे चप्पे में राहुल जी के समर्थन में जो भी है वो अपनी जगह पे सत्याग्रह देंगे। ल्यूटियन जोन में अलग अलग पॉइंट पे वो सत्याग्रह देंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं आखिर रंडी भाई आपकी एक परमिशन से एक छोटी सी बात मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि मैंने एलएलएम किया है, मैं चैलेंज करता हूं लॉ के पॉइंट पे, फैक्ट्स तो बताई सबने। तो कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में क्या चल रहा है ये भी आपको हम दिखाएंगे। ईडी के सामने वो जब पेश होंगे तो वहां से भी आपके सामने हम तस्वीरें रखेंगे। राहुल गांधी के घर के आवास अशोक सिंघल हमारे सहयोगी मौजूद है, आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, और तंसीम हैदर ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले समझ लेते हैं राहुल गांधी के घर में क्या चल रहा है। अशोक जरा बताइए, राहुल गांधी के आवास के बाहर आप मौजूद है, प्रियंका सुबह ही पहुंच गई, कितनी देर में राहुल निकलेंगे और क्या कल और परसों की तरह ही यहां आज भी कार्यक्रम रहने वाला है, फिर वो जाएंगे कांग्रेस दफ्तर, वहां मुलाकात करेंगे नेताओं से, उसके बाद वो ईडी दफ्तर निकलेंगे? देखिए, खबरें तो यही आ रही है कि राहुल और प्रियंका सीधा यहां से 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हालांकि पुलिस ने पूरा बैरिकेटिंग की हुई है, ज्यादा कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंच नहीं पाए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे नेता थे, लेकिन बहुत ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया पुलिस ने, क्योंकि धारा 144 लगा रखी है, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी आज भी तीसरे दिन राहुल गांधी के घर 9:15 बजे के करीब पहुंची थी और यहीं से वो कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और उसके बाद ईडी के सामने पेश होंगे। लगातार तीसरे दिन तीसरे राउंड की पूछताछ होगी राहुल गांधी से। कुछ सवाल के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है, दोबारा से वो सवाल पूछे जाएंगे और कुछ नए सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। उधर रावत बाड्रा भी लगातार राहुल के प्रति साथ दे रहे हैं और आज भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके राहुल गांधी को कहा कि आप ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहिए, देश आपके साथ है और सक्सेस आपको मिलेगी। तो तमाम पार्टी के नेता देश भर में जो कांग्रेस पार्टी के जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज फिर राहुल को एक बार फिर ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। 20 घंटे से ज्यादा दो दिनों में उनसे पूछताछ की गई है और आज भी लगातार पूछताछ रहेगी। लेकिन बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि किस ढंग से भ्रष्टाचार का समर्थन जुटाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतारा गया है। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर अपराध नहीं किया तो डरने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जरा मैं आऊंगी आपके पास। कांग्रेस दफ्तर में क्या चल रहा है आशुतोष, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आज भी वैसे ही विरोध करेंगे या स्ट्रैटेजी कुछ बदलेंगे, क्योंकि तीसरा दिन है आज पूछताछ का। अर्पिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने एक वाक्य सुना, बहुत
क्लियर ये कहा गया कि जो जहां पर है वहीं पर सत्याग्रह करेगा, यानी राहुल गांधी से पूछताछ के तीसरे दिन आपको वो शक्ति प्रदर्शन और पुलिस से वो टकराव की स्थिति शायद न दिखाई पड़े। और अगर वो समझना हो तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ये एग्जिट गेट है, यहां से महज 20 मीटर की दूरी पर कांग्रेस मुख्यालय जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज वहां जाने का मौका मिला नहीं, लुटियंस दिल्ली के जितने सारे रास्ते हैं सब बंद है, 144 पहले ही लगी है, और शायद ये भी है कि उनको पता है, देखिए पुलिस को ऊपर से निर्देश है कि प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, लोग यहाँ इकट्ठा ना हो तो पुलिस अपना काम करेगी जैसा उनको ऑर्डर मिला है। और कहीं भी पार्टी भी ये भी नहीं चाहेगी रोज रोज आप इनसे भिड़ कर क्या करेंगे, नेता को वहां बुलाया गया है, उनको वहां पेश होना ही है, शक्ति प्रदर्शन जो करनी थी, जो एक यूनिटी दिखानी थी, वो दो दिन आपने दिखा ली, तो तीसरे दिन राहुल गांधी अगर यहां आना हुआ तो हो सकता है आपसे 20 मिनट में यहां पर पहुंचे, जो समय दिया गया प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचने का, वहां जाएंगे, सवाल का सामना करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन ये कितने दिन चलेगा जाहिर है इस पर एक सवाल है, लेकिन फिलहाल आज वैसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती जैसी दो दिन हम देख रहे थे। ठीक है, जल्दी से जरा तनसीम का भी रुख कर लेते हैं, ईडी दफ्तर के बाहर वो मौजूद हैं। तनसीम कल भी प्रियंका गांधी पहुंची थी और कहा जा रहा है हो सकता है आज भी वो साथ ईडी दफ्तर तक आए राहुल गांधी के साथ, लेकिन आपका रुख करूं उससे पहले देखिए कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल रहे हैं, सुनते। जेबी मात्र जी को जिस प्रकार से सड़क पर घसीटा, लाठियां मारी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया और फेंका गया, क्या ये इस देश की परंपरा और परिपाटी है? जिस प्रकार से हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी का कल जबाड़ा तोड़ दिया गया, सारे दांत तोड़ दिए, क्या ये इस देश की परिपाटी है? संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हो, प्रमोद तिवाड़ी हो, शक्ति सिंह गोहिल जी यहां बैठे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि वो केवल गुजरात से आते हैं, निशाना बनाकर उनके ऊपर जो हम जानलेवा हमला हुआ, आप सब इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। आदरणीय मित्र, इस देश के लोग हमारे साथ हैं, इस देश के लोगों का, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, साधारण जनमानस जिसकी आवाज और तकलीफ श्री राहुल गांधी और कांग्रेस उठाती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस की आवाज नहीं बंद करना चाहते, ये देश में उठने वाली महंगाई के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये देश में उठने वाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं, पर ये रोक नहीं पाएंगे। मैम जयराम जी विल टेक दिस क्वेश्चन। उस बैठक को इस बैठक से जोड़कर ना देखा जाए, वो एक अलग विषय है और उस पर हम बैठक के बाद आपसे चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अरुण सिंह जी। जहां अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी को पेश होना है ईडी के सामने, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की और अपनी बातें कहते हुए, अब रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, उससे पहले भूपेश बघेल ने, अशोक गहलोत ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूंगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं, और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने, आज जो सत्ता में है ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर, नहीं बोलना चाहिए। जो मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा, इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको, पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हुए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग, इनकी भारी पड़ेगी, जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए, और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग
केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है, मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। ये राहुल गांधी जी के ऊपर, ये सोनिया गांधी जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भाजपा के मंसूबे के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है, ये उस राजनीतिक दल के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो तानाशाही की हुकूमत यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक आज जो बनी हुई व्यवस्था है उसे हम हटाकर नहीं रखेंगे। ये सत्याग्रह आगे और मजबूती से बढ़ता जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम नेताओं ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इस बीच आपको बता दें क्योंकि आज का दिन भी वो तीसरा दिन जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंघल राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, कांग्रेस मुख्यालय में हमारे सहयोगी आशुतोष मौजूद है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। वहीं ईडी मुख्यालय में इस वक्त तनसीम हैदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। तनसीम, आपसे थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी को वहां पहुंचना है, कल और परसों जिस तरीके से पूछताछ हुई, क्या कारण आप देखते हैं कि आज तीसरे दिन भी उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और ये संभावना और कितनी दिख रही है, आगे कितने दिन और पूछताछ हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी तो ये खुद कल कहते नजर आए कि आज ही हमसे सारे सवाल पूछ लीजिए, रोज रोज बुलाना बंद कीजिए। जी देखिए, जाहिर है पहले ये समझने की जरूरत है कि ईडी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, ये एजेंसीज जब अपना इन्वेस्टिगेशंस करती हैं तो इनके डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके सवाल पे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन सवालों के जो बयान होते हैं वो बाकायदा रिटन लिखे जाते हैं, लिखवाए जाते हैं और दर्ज किए जाते हैं। तो जो बयान हो रहे हैं उनको बाकायदा लिखा जा रहा है और क्वेश्चनआर तैयार होकर जो क्वेश्चन सवाल जवाबों में से सवाल निकाले जा रहे हैं, इस वजह से इसमें इतनी देरी हो रही है। सूत्र ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए एजेंसी को वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस जांच में और इस पूछताछ में वक्त लग रहा है। आज तीसरा दिन है, दो दिन की लगातार पूछताछ हुई है, और इस तीसरे दिन में आज भी ऐसा माना जा रहा है कि ये पूछताछ आज इस देर शाम तक चलेगी, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और केस बहुत पुराना है। आपको बता दें इस मामले में इससे पहले जितने भी जो नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जिनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, उनमें से चाहे मोतीलाल वोरा हों या और भी कई लीडर हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं, उन बयानों को क्रॉस चेक कराया जा रहा है, उन एक एक बयानों को क्रॉस चेक कराया जा रहा है, और उनकी बहुत बड़ी फहरिस्त है, वो डॉक्यूमेंटेशन जो वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसका वक्त लगता है और ये वक्त आने वाले दिनों में और भी लगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी मैं बता दूं, चूंकि 11:30 बजे राहुल गांधी यहां आएंगे, इससे पहले एसपीजी के जो उनकी सिक्योरिटी है उसने सिक्योरिटी रिव्यू किया है ईडी दफ्तर के आसपास का, और ऐसा माना जा रहा है 11:30 अभी जानकारी ये दे रहे हैं, ये भी खबरें आ रही थी कि जो सवाल जवाब आप जैसा बता रहे हैं कि प्रोसेस है उसका, लिखकर उसका पूरा आंसर वो देना होता है, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो राहुल ये उनके जो जानने वाले हैं वो बता रहे हैं कि राहुल ने नहीं लिखी, दो दो घंटे उसको एडिट करवाने में लगा, राहुल ने कहा मैंने ये बात कही नहीं जो आपने लिखित में लिख दी, तो ये सब करने में भी क्या लंबा वक्त लग जा रहा है, इसीलिए घंटे 10-11 ऐसे दिख रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है, एक जो बयान है वो बाकायदा सिस्टम पे लिखे जाते हैं, कई बयान ऐसे हैं जो हैंड रिटन लिखे जाते हैं, तो उन बयानों में कहीं कहीं जो लिखे हुए हैं उनमें विरोधाभास है, जिसको लेके आपत्ति भी उठाई राहुल गांधी की तरफ से, लिहाजा इस जो प्रोसीजर है उसमें वक्त लग रहा है, और ये वक्त ऐसा नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, एजेंसी ने इससे पहले भी कई ऐसी जगहों पर कई ऐसे अक्यूज कई ऐसे आरोपियों से पूछताछ की है जिनमें कि लंबा वक्त लगा है, ज़्यादा वक्त लगा है, वो प्रोसीजर ही ऐसा है, सीबीआई हो या ईडी, ये अगर बयान दर्ज करते हैं तो इनके बयान लंबे होते हैं, कई कई 100 पन्नों के, 1,000 पन्नों के बयान होते हैं। ठीक है, तो आज भी देखिए ये प्रोसेस है क्योंकि तीसरे दिन भी राहुल गांधी को बुलाया गया है, राहुल गांधी थोड़ी देर में ईडी दफ्तर जाने वाले हैं, आज तीसरा दिन है जब उनसे पूछताछ होगी, उससे पहले सोमवार और मंगलवार को उनसे पूछताछ हुई थी, जहां एक तरफ 10 घंटे वहीं 11.5 घंटे कल करीब 11 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई, लेकिन इससे पहले आपको बता दें जो
कार्यकर्ता है उनको जाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं को दफ्तर में जाने से रोका जा रहा है, कांग्रेस दफ्तर, जिसके बाद वो बेहद नाराज। कल भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, धारा 144 लागू की गई थी, जिसके तहत ज्यादा लोग को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि लोग दफ्तर या कहीं भी एकत्रित ना हो सके। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ राहुल गांधी के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ आशुतोष कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, आज एक बार फिर से आरोप लग रहा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि दफ्तर तक जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, बैरिकेड्स लगाए गए, क्या हालात है, तस्वीरों में दिखाइए। आज दरअसल अर्पिता जो बंदोबस्त है वो बाकी दो दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सख्त दिखाई पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जो शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी वो गुजरी, उन्हें नहीं जाना, उन्हें वीपी हाउस जाना था, वो परेशान होकर गई। अभी रंजीता रंजन आई यहाँ पे तो वो भी यहाँ बैरिकेड देख करके चली गए। तो आपको एक बार तस्वीरें दिखाई देते हैं कि बंदोबस्त है कैसा। यहाँ से ठीक 20 मीटर आगे जो है कांग्रेस मुख्यालय और ये वाली जो सड़क उसे जोड़ती है, ये एग्जिट गेट यहाँ पर बना दिया है और इसके आगे किसी भी तरह की निजी गाड़ी, प्राइवेट कमर्शियल गाड़ी, जो एक दो सांसदों का घर है, मंत्रियों का घर है, एयरफोर्स आईबी का दफ्तर है, वहां के लोग तो फिर भी आगे जा सकते, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। यहां तक कि हम लोग को भी अगर ये बैरिकेड पार करना हो तो नहीं कर सकते फिलहाल। तो इसीलिए जितनी भी गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, चाहे समर्थक हो, सुबह से करीबन 20 से 25 समर्थकों ने कोशिश की थी कि इस रास्ते को अंदर जाएं, तो वो आज नहीं जा सकते। और इतना ही नहीं, पूरा लुटियंस दिल्ली का इलाका अगर आप देखेंगे तो विजय चौक से लेकर के आसपास के तमाम सारे इलाकों को सील किया जा रहा है। और इसीलिए विरोध प्रदर्शन जताने के लिए जो हमारी सहयोगी सुप्रिया जानकारी दे रही है वो ये कि तमाम जो कांग्रेस के सांसद है वो संसद जा रहे हैं, गांधी स्टैच्यू पे जाकर के वहां विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल यहां तक किसी को पहुंचने की अनुमति नहीं। आशुतोष रही जरा आप साथ, अशोक सिंघल का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, कितनी देर में निकलेंगे राहुल, क्या जानकारी? देखिए, अभी अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के घर पहुंचे और तैयारी है पूरी कि हो सकता है यहां से कांग्रेस मुख्यालय जाएं। दो दिन से लगातार वो प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं, वह जो मौजूद कार्यकर्ता हैं, नेता, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज पुलिस ने पूरी धारा 144 तो लगी हुई है पहले से ही और पूरा बैरिकेडिंग की हुई है, लोगों को आने जाने में नहीं दिया जा रहा है, जहां पे लोग थे वहां पे रोका जा रहा है। आज हालांकि कांग्रेस ने प्रदर्शन की तीसरे दिन भी कह रखा कि हम सत्याग्रह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, पहले दिन से अनुमति नहीं दी थी, लेकिन पिछले दो दिन कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। लेकिन आज थोड़ा टाइट है हालात चारों तरफ देखा जाए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास, लेकिन प्रियंका गांधी सुबह से राहुल गांधी के घर मौजूद है और उम्मीद है। आप नजर रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तो थोड़ी देर में जैसे राहुल गांधी निकलते हैं वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गायक सिद्धू मूसेवाला को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार चल रही है, 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है और एसआईटी की जो टीम है वो लगातार पूछताछ हो रही है लॉरेंस बिश्नोई से, पंजाब पुलिस की ये पूछताछ आपको बता दें हो रही है। मूसेवाला मजक केस में बिश्नोई से पूछताछ हो रही है, किस किस तरीके से उसने ये पूरी योजना रची है, क्योंकि हालांकि जिस जगह तिहाड़ जेल में जब वहां बंद था वहां तलाशी भी ली गई, कोई मोबाइल फोन तो नहीं मिला था, लेकिन किस तरीके से उसने कनेक्ट किया बाहर बैठे अपने गुर्गों से, इन्हीं पहलुओं पर जांच हो रही है। एसआईटी की टीम भी आज पूछताछ करेगी, ये जानकारी मिल रही है। मोहाली में 7 दिन की पुलिस पंजाब पुलिस के रिमांड पर है बिश्नोई, इन 7 दिनों में वो हर एक एंगल खंगाल लेना चाह रही होगी पुलिस, ताकि इनकी कड़ियों को जोड़ा जा सके। जो शूटर है वो कहां कहां से बुलाए गए, ये योजना किसके लिए रची गई थी, क्योंकि ये भी बीच में बातें आ रही थी किसी और के लिए योजना रची गई और बाद में इसको मोड़ दिया गया सिद्धू वाला की तरफ। बिश्नोई को मोहाली लेकर पहुंची है पंजाब पुलिस और वहां अब पूछताछ शुरू। हमारे साथ सीआईए मोहाली के इंस्पेक्टर शिव कुमार है, उनसे बात करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की कस्टडी में आपके पास रखा गया है, किस तरह की उसकी सिक्योरिटी है अभी? देखिए, सिक्योरिटी तो हम उसकी जो जैसे कोऑर्डिनेट वाइज किया हुआ है उसकी प्रॉपर हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं और लगाई भी हुई है। तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसआईटी में ही करेगी, उसको फिलहाल उसकी जो हम सिक्योरिटी ही लगा रहे हैं उसको। तो किस तरह की सिक्योरिटी है, क्या कमांडो आप देख सकते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी उसकी इसके लिए जो है सफिशियंट सिक्योरिटी हम कर रहे हैं, उसमें कमांडो भी है, उसमें लोकल है, उसमें हमारी जो पैरामिलिट्री है वो भी है।
तो सिक्योरिटी एसआईटी के अधिकारी अभी आ गए? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं। बिल्कुल, ये इंस्पेक्टर हैं शिव कुमार सीआईए के, और आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह की सिक्योरिटी है। देखिए पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं चारों तरफ से, और चूंकि कोर्ट ने बकायदा ये आदेश दिया, अपने ऑर्डर में कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद की जाए लॉरेंस बिश्नोई की। और देखिए किस तरीके से दिल्ली टू पंजाब लॉरेंस बिश्नोई को ले जाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड 8:15 मिली थी, रात 8:20 पर आरएमएल अस्पताल में मेडिकल उसकी जांच हुई, उसके बाद रात 11:00 पानीपत पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई। रात 12:45 अंबाला पहुंचा था लॉरेंस बिश्नोई। तो अब आगे उनसे पूछताछ होनी है, एसआईटी भी उससे आज पूछताछ कर सकती है। 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। तो देखिए सिद्धू मूसेवाला जो है, अब ये देखिए किस तरीके से ये पूरा खेल पूरी साजिश रची गई थी वो आपको हम दिखा रहे हैं। मूसेवाला का मैनेजर शगन प्रीत विक्की, जिसकी हत्या के बाद ही कहा गया कि चेतावनी दे दी गई थी कि सिद्धू मूसेवाला को भी मारा जाएगा, उसके बाद से ही एक तरीके से कहे तो ये पूरे किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देना है इसकी साजिश जुड़ने लग गई थी, बनने लग गई थी। मंजीत सहगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत देखिए अब जरूरी यह है कि अब रिमांड पर लिया गया है तो एक एक तार खंगाल लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनको अनसुलझा करना है अभी पुलिस को, यही चुनौती उनके सामने होगी। एसआईटी कब पूछताछ करेगी ये भी अपडेट दीजिएगा। लॉरेंस बिश्नोई उसको मानसा लाया जाया गया था और मानसा में सबसे पहले स्वास्थ्य जांच करवाएगी और उसके बाद जो है उसके स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने हालांकि 10 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने उसे 7 दिन का रिमांड दिया और उसके बाद उसको मानसा से 8:00 खरड़ के सीआईए ऑफिस में लाया गया। वहां पर 2-3 घंटे उसको रखा गया, कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज करनी थी वो की गई और अब अचानक पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को यहां से कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त पटियाला रोड पर उस पुलिस का काफिला बढ़ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में और उसके आसपास दर्जन और गाड़ियां हैं, 100 के करीब पुलिस वाले एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को कहीं और ले जा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं अभी तक साफ नहीं है, क्या उसे पटियाला ले जाया जा रहा है या क्या नहीं, लेकिन जहां तक 7 दिन के पुलिस रिमांड की बात है अर्पिता, बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब पुलिस को कई सवालों के जवाब इस दौरान तलाशने हैं। बिश्नोई अभी तक की पूछताछ में यह इनकार करता आया है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस को शक है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या का षड्यंत्र बिश्नोई ने जेल में बैठकर रचा, उसकी गैंग के दूसरे सदस्य अब गिरफ्तार हो चुके हैं, अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि कनाडा में बैठा गोल्डी ब्राड नाम का गैंगस्टर आखिर उसकी क्या भूमिका है, क्या उसको लॉरेंस बिश्नोई ने हायर किया था, क्या वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है, इस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल हैं और इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, ये भी अभी पुलिस को पता लगाना है। इन सभी सवालों के जवाब लॉरेंस बिश्नोई से मांगे जाएंगे। 7 दिनों का रिमांड बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षा कारणों से भी हो सकता है या मामले से जुड़े कई और महत्वपूर्ण जानकारी या जगह हो सकती है। हम लोग चेस कर रहे हैं, देख सकते हैं इस वक्त जो पुलिस का काफिला है वो पटियाला की तरफ बढ़ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में मूव किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को कई और मामलों में भी पंजाब पुलिस को तलाश थी, वो एक कई मामलों में संलिप्त है और अब सिद्धू मूसेवाले की हत्या से जुड़ा बहुत बड़ा मामला पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अभी भी इसमें जो शूटर शामिल हैं, जिन शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शूटर भी, और लॉरेंस बिश्नोई लगातार ये कह रहा है कि उसका हाथ ही नहीं है इसमें। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से कोई जिन्होंने सीधा नाम उसका लिया हो, और अब जब रिमांड पर लिया गया है पूछताछ हो रही है तो उन लोगों को भी आमने सामने बैठा कर तस्वीर क्लियर की जाए। जी बिल्कुल, क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 शार्प शूटर भी हैं, 2 शार्प शूटर पंजाब के हैं, 2 पुणे से गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से जो लोग 2 लोग पुणे से गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से माना जा रहा है कि इनमें से वो लोग शामिल थे जिन्होंने
सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी, और जो 9 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए उसमें से कई लोग ज्यादातर कोरियर का काम कर रहे थे, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे, उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, सवाल जवाब होंगे उनसे कि आखिर इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल है, उसकी भूमिका कितनी है, उसने किस तरह से इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया, ये सारे सवाल है जिसका जवाब पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई से लेना है इन 7 दिनों के दौरान। अर्पिता, बिल्कुल, देखिए 7 दिन के रिमांड, कई सवाल जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी आमने सामने रखकर पूछताछ होगी। जाहिर तौर पर एक एक परत खोलने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ को लेकर मोहाली पुलिस ने सख्त सुरक्षा घेरा बनाया है। देखिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के मोहाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मोहाली के CIA के इसी दफ्तर में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को। और मैं आपको बता दूं कि कल पंजाब पुलिस ने दिल्ली की अदालत से लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लिया, उसके बाद देर रात मानसा में लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया और उसके बाद वहां की अदालत में पेश किया गया, और उसके बाद पंजाब पुलिस ने कस्टडी की मांग की। लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की कस्टडी पंजाब पुलिस को मिली है, उसके बाद सीधा मोहाली के CIA दफ्तर में लाया गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जो पंजाब पुलिस के कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई से वो SIT की टीम पूछताछ करेगी जिसे पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की जांच के लिए बनाया था। SIT के टीम के जो अफसर हैं वो फिलहाल मोहाली के CIA के इस दफ्तर में मौजूद है, यही लॉरेंस बिश्नोई भी मौजूद है। अब उससे सवाल पूछा जाएगा। देखिए 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और हत्या के तुरंत बाद सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और ये बताया था FIR में कि उनके बेटे की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने की है। इसके बाद से ही महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस अलग अलग लोगों को पकड़ रही है जो लॉजिस्टिक सप्लाई किए थे, जिन्होंने रेकी की थी। हालांकि अभी तक शूटर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की उनमें से सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है, पुणे पुलिस ने संतोष यादव को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जितनी भी गिरफ्तारी है वो या तो कोई लॉजिस्टिक सप्लाई या जिन्होंने कार मुहैया कराई थी। लेकिन अभी भी जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है सिद्धू मूसेवाला की उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। शायद इसी वजह से, चूंकि पंजाब पुलिस के पास ये जांच थी इसलिए मास्टरमाइंड बार बार लॉरेंस बिश्नोई को बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है।